भारत माता की, भारत माता की आजीर एई गौरवपूर्ण मुहूर्तार्थ असमवासी राइजलोय मोर आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन जोनाइस। मंच पर विराजमान असम के मुख्यमंत्री भाई श्री सर्बानंद जी, राज्य सरकार में मंत्री और इसी स्थान के प्रतिनिधि विधायक डॉक्टर हिमंता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई रंजीत दास, केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे साथी भाई राजेंद्र गोयन जी, राज्य सरकार में मंत्री चंद्रमोहन पटवारी, संसद में मेरे साथी विजय जी, रामेश्वर तेली, रमन डेका, कामाख्या प्रसाद तांसा, श्रीमान आरपी शर्मा, श्रीमान प्रधान बरुआ, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी के प्रमुख श्रीमान हागरामा मोहिलारी, श्रीमान तुलीराम रोंगहोंग, श्रीमान देवोलाल गरलोसा, श्रीमान टंकेश्वर राभा, श्रीमान दीपरंजन मकरारी, श्रीमान परमानंद जी, श्रीमान पवन मंता जी, श्रीराम माधव देवरी जी, श्रीमान कुमुद कछारी जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसके पीछे मैं देख रहा हूं रोड है और अभी भी हजारों की तादाद में लोग चल रहे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आगे से बड़ा मैदान रखना पड़ेगा। पिछले दिनों में मुझे चार बड़े कार्यक्रम करने का मौका मिला और मैंने देखा कि असम में उत्साह ऐसे बढ़ रहा है कि एक रैली होती है दूसरी पहले वाले का रिकॉर्ड तोड़ती है। और आज मैंने देखा है आपने सभी चारों रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आसाम का ये प्यार, ये आशीर्वाद मां कामाख्या की कृपा के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। मुझे पक्का विश्वास है ये गुवाहाटी से जो अखबार निकलते हैं उसमें ये कुल कोई खबर कल नहीं आएगी। कारण क्या है वो तो अब देखेंगे, लेकिन आज सुबह जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि कुछ बात है। यहां जो पत्रकार बेचारे आए हैं मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके मालिक उस मेहनत को पूरा नहीं होने देंगे। आज नॉर्थ ईस्ट के विकास में नया इतिहास जुड़ रहा है। थोड़ी देर पहले ही असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है।
विकास के ये काम तभी हो पा रहे हैं जब हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, बलिदानियों ने, शहीदों ने हमें जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलने का हमने स्थाना है। श्रीमंत शंकर देव, माधव देव, अजान फकीर, स्वर्गदेव चालुंग, सुखाबा जैसी विभूतियों को मैं आज इस धरती से नमन करता हूं। इस धरती के महान सपूत जनरल वीर लाचित बरफुकन जी की बहादुरी के किस्से यहां के कण कण में रचे बसे हैं। संत श्रीमंत शंकरदेव संघ का वार्षिक अधिवेशन जो मोरीगांव में हो रहा है उसकी सफलता की भी मैं कामना करता हूं। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव हनहर वारही की अधिवेशन मोरीगांव सोलिय से मई ईयर परोई महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव आरु लाख लाख भक्त जनों लोई प्रणाम जासीसु। साथियों, मैं भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। डॉक्टर भूपेन हजारिका कोहिसिल असम आमार रूप ही गुनोर नाई है बरतोरे पूरब दिशर हुई उठा दे मोई प्रचुर हमपद आरु हम भावना मई असमी आई लोई आई मुहूर्त गंभीर प्रणिपात जनाईशे। साथियों, भूपेन दाने असमिया भाषा और संस्कृति को देश और दुनिया तक पहुंचाने में अहम भूमिका तो निभाई, वंचितों और शोषितों के लिए भी वो आवाज बुलंद करते रहे। भूपंदा के सुरों ने ब्रह्मपुत्र के इर्द गिर्द बसने वालों के जीवन में नई चेतना का संचार किया तो साथ ही गंगा के विस्तार में फैली मानवता को भी जगाने का प्रयास किया। साथियों, असम और देश के लिए, समाज के लिए अपने गीतों से, अपने सुरों से जिस महान व्यक्तित्व ने इतना योगदान दिया, वंचितों, पीड़ितों और शोषितों के लिए समर्पित भारत के उस सच्चे राष्ट्र रत्न की पहचान करने में दशकों की देरी हो गई, दशकों की देरी हो गई। हम सभी को खुशी होती अगर भूपेंदा जीवित होते और अपने हाथों से भारत रत्न का सम्मान ले पाते, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये निर्णय आपको करना है। साथियों, आज मुझे असम के एक और महान सपूत गोपीनाथ बारदोलोई की, उनकी भी याद आ रही है, जिनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, भारत रत्न देने के लिए भी असम को दशकों
श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी का इंतजार करना पड़ा। अभी मैंने पार्लियामेंट में बीसी और एडी की व्याख्या की थी, परसों सुना होगा आपने। बीसी और एडी यानी बीसी का मतलब है बिफोर कांग्रेस और एडी का मतलब आफ्टर डायनेस्टी। ये बीसी और एडी का ही गौरवगान करने का वालों से मैं आज यहां पूछना चाहता हूं कि आखिर आपने भारत के सच्चे रत्नों को न पहचानने का कटिल खेल दशकों तक क्यों खेला? आखिर ऐसा क्यों रहा कि कुछ लोगों के लिए जन्म लेते ही उनके लिए भारत रत्न रिजर्व हो जाता है, तय हो जाता था, और देश के मान सम्मान के लिए जिन्होंने जीवन लगा दिया उनको सम्मानित करने के लिए दशक बीत जाते थे? इसका जवाब असम सहित भारत का कोना कोना मांग रहा है। आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही असम के दो सपूतों गोपीनाथ बरदोलोई और भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का काम, वो पवित्र कार्य करने का अवसर हमें मिला है। साथियों, जो लोग अपने नायकों को भूल गए वो लोग नॉर्थ ईस्ट के असम के विकास को भी भूल गए थे। यहां बैठे अनेक साथियों को वो चर्चाएं भली भांति याद होगी जब अखबारों में निग्लेक्टेड पैराडाइज, द निग्लेक्टेड स्टेट ऑफ द नेशन, ऐसी हेडलाइनें छपा करती थी। यहां के लोगों की शिकायत रहती थी कि कोलकाता के पूर्व में कोई रहता भी है या दिल्ली वाले भूल जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अब आज अखबारों में क्या खबरें आती हैं ये भी याद रखिए। इंफ्रा पुश इन नॉर्थ ईस्ट, डिजिटल पुश इन नॉर्थ ईस्ट, किसी राज्य में पहली बार रेल कनेक्टिविटी, कहीं पर पहली बार हवाई कनेक्टिविटी, गांवों में पहुंच रही बिजली, बरसों से अधूरे देश के सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज का लोकार्पण, अब ऐसी खबरें अखबारों में आती है। भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले जो अंतरिम बजट पेश किया गया है उसमें भी नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारी निष्ठा का पता चलता है। इस बजट में केंद्र सरकार ने असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए 21% से अधिक बजट की वृद्धि की है। इसके अलावा सरकार ने 5 लाख रुपए तक की आय वालों को टैक्स से जो छुट्टी दी है उससे भी उत्तर पूर्व और असम के लोगों को बहुत फायदा हुआ है। मुझे हमारे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि असम में बड़ी संख्या में नौजवान अब टैक्स के दायरे से ही बाहर हो जाएंगे, उनको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। वैसे भाइयों और बहनों, इस बार चर्चा तो असम सरकार के भी बजट की बहुत हो रही है। असम के विकास को नई ऊंचाई देने वाले इस बजट के लिए मैं असम सरकार को और असम के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट और असम के विकास के लिए, यहां के सम्मान के लिए
अपने समर्पण को जारी रखते हुए आज अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। नुमलीगढ़ में बायो रिफाइनरी, नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड, बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस लाइन, होलांग मॉड्यूलर गैस प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन और एलपीजी स्टोरेज वेसल, ये तमाम प्रोजेक्ट असम को ऑयल एंड गैस का एक बड़ा हब बनाने वाले तो है ही, देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत देने वाला है। चाहे वो बायोफ्यूल का प्रोजेक्ट हो या फिर बरौनी तक जाने वाली गैस पाइपलाइन, एक क्लीन फ्यूल और क्लीन एनर्जी बेस हमारी अर्थव्यवस्था के संकल्प को और मजबूत करती है। भाइयों और बहनों, हमारी कोशिश है कि हम उत्तर पूर्व की अर्थव्यवस्था को हर तरह से मजबूत करें। इसी कोशिश में हम नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को सुधार रहे हैं। चाहे बोगीबिल का पुल या फिर भूपेन हजारिका पुल, हम वर्षों से अधूरी योजनाओं को ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी को जोड़ने वाले पुल के उद्घाटन का अवसर मिला है। इससे उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी के बीच की दूरी 1.5 घंटे से घटकर 15 मिनट रह जाएगी। अभी यहां सिर्फ फेरी के जरिए ही जाया जा सकता है। करीब 2000 करोड़ की लागत से बने इस पुल के बन जाने के बाद गुवाहाटी के स्टेट कैपिटल रीजन में जाम की परेशानी भी कम होगी। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा असम में ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही लगभग 14,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। 14,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, लगभग 9,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर आज तेज गति से काम आगे बढ़ रहा है। आज नुमालीगढ़ में 1200 करोड़ रुपए से बनने वाली बायो रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया। देश भर में बन रही 12 आधुनिक बायो रिफाइनरी में से ये सबसे बड़ी है। यहां पर बांस से हर साल 6 करोड़ लीटर इथेनॉल भी बनाया जाएगा। किसानों को कितना लाभ होगा, जंगलों में रहने वालों को कितना लाभ होगा, इसका आप हिसाब लगा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट करीब करीब 50,000 परिवारों को अतिरिक्त आय का स्रोत बनने वाला है। इसके अलावा नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को लगभग 3 गुना करने के लिए भी सहमति दे दी गई है। असम में ये केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा बहुत बड़ा निवेश है। साथियों, विदेशों से आयात कम करने और किसानों आदिवासियों के लिए आय के अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए हम इथेनॉल ब्लेंडिंग और बायोफ्यूल पर तेजी से काम कर रहे हैं। गाड़ियां हो या हवाई जहाज, अब हम ईंधन में लगभग 10% बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, बायोफ्यूल के साथ साथ असम से
देश के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक नेचुरल गैस पहुंच सके, इसके लिए आज लगभग 9000 करोड़ रुपए के नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड की आधारशिला रखी गई है। इसमें 5 कंपनियों का जो गठजोड़ बना है उसकी ताकत नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में दिखेगी। साथियों, देश के पूर्वी हिस्से में गैस आधारित उद्योग और पाइप के माध्यम से घरों में गैस पहुंचाने का एक बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना को सशक्त करने के लिए आज गुवाहाटी से बिहार के बरौनी तक जाने वाली नेचुरल गैस पाइपलाइन का शिलान्यास किया गया है। इससे देश के अनेक शहरों के घरों को पाइप वाली रसोई गैस पीएनजी से जोड़ने में मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, आज हम देश के हर घर को एलपीजी गैस से जोड़ने की तरफ तेज गति से बढ़ रहे हैं। साथ में पाइप वाली गैस को लेकर भी व्यापक काम किया गया है। मैं एक आंकड़ा आपको बता देता हूं, जिससे आपको हमारे काम की स्पीड और स्केल का पता चलेगी। साल 2014 में 25 लाख घरों में पाइप गैस का कनेक्शन था और आज ये करीब करीब डबल हो गया, यानी 46 लाख से अधिक हो चुका है। जिस गति से काम हो रहा है उससे आने वाले वर्षों में ये संख्या 2 करोड़ पहुंचने वाली है। इसी तरह देश भर में सीएनजी स्टेशनों की संख्या भी 950 से बढ़कर लगभग 1500 तक पहुंच चुकी है। साथियों, असम में भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को विस्तार देते हुए 2 नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। इनसे कामरूप और कामरूप मेट्रोपॉलिटन के काचेर, हैलाकांडी, करीमगंज जिलों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। उत्तरी गुवाहाटी में एलपीजी सिलेंडरों की डिमांड को पूरा करने के लिए स्टोरेज वेसल हो, या फिर तिनसुकिया में मॉड्यूलर गैस प्रोसेसिंग प्लांट हो, ये सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाएंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। भाइयों और बहनों, बीते 50-55 महीनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार निरंतर असम को देश के विकास के मानचित्र पर स्थापित करने में जुटी है। मैं सर्बानंद सोनोवाल जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि वो असम को करप्शन और पहले की कार्य संस्कृति से बाहर निकालने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। साथियों, पहले की सरकार ने करप्शन को जिस तरह से सिस्टम का हिस्सा बना दिया था, उसके पाप अभी परिचित और पीड़ित ही रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचारियों को पर कार्रवाई करके यहां की सरकार ने कड़ा संदेश भी दिया है। साथियों, आप सभी देख ही रहे हैं कि गरीबों को लूटने वालों, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के साथ कितनी सख्ती से निपटा जा रहा है। जो घोटाले करके देश से भाग जाते थे उनको वापस लाया जा रहा है, भारत के कानून के हवाले किया जा रहा है। ये पूरा देश देख रहा है कि चौकीदार की चौकसी से कैसे भ्रष्टाचारी बौखलाए हुए हैं और सुबह शाम रोज नई गाली, मोदी को रोज नई गाली यही देते रहते हैं। असम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या करेंगे, देश के लिए क्या योजनाएं हैं, इस पर वो चुप है, नहीं बोलते हैं। लेकिन वहां तो एक ही मानदंड है, मोदी को कौन ज्यादा गाली दे सकता है
इसी का कंपटीशन चल रहा है। साथियों, ये लोग, इनकी एक ही पहचान है, महामिलावट। ये महामिलावट है, समाज को भड़काने में जुटे हैं और हम असम की अस्मिता और असम के विकास के लिए डटे हुए हैं। हम निरंतर ये कहते रहे हैं कि घुसपैठियों के लिए असम समेत देश के किसी भी हिस्से में कोई जगह नहीं है। असम को, देश को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए हमने हर बार जनता की आवाज को बुलंद किया है। यही कारण है बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए हमने छिटमहल समझौता किया और अब भारत बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह सील करने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। जिस एनआरसी को अमल में लाने से पुरानी सरकार बच रही थी, उस पर हमने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कार्रवाई की है। हमारा प्रयास है कि तय समय पर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। साथियों, एनआरसी के साथ साथ मैं आप सभी से ये भी कहने आया हूं कि नागरिकता से जुड़े कानून को लेकर बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। देश को जिन्होंने इतने साल बर्बाद किया, वो अपने हित के लिए ये भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को जानने की जरूरत है। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को, एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर रहने वाले लोगों को, पार्लियामेंट में हमारा विरोध करने वाले लोगों को जरा ये नजारिया देखिए, असम का मिजाज क्या है, जरा देखोगे तो पता चलेगा। भाइयों बहनों, असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भाषा, संस्कृति और संसाधनों पर आपके हक की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, हमारा प्रयास है असम एकॉर्ड के क्लॉज 6 को जल्द से जल्द लागू किया जाए। और इसके लिए हमारी सरकार द्वारा एक कमेटी भी बनाई जा चुकी है और मुझे विश्वास है ये कमेटी आपके भावनाओं का, आपके हितों का, आपकी आशा आकांक्षाओं का पूरा ख्याल रखते हुए रिपोर्ट करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप ये भी भली भांति जानते हैं कि जो दल 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 में डूबे हुए दल, महामिलावटी दल आज भ्रम फैलाने में जुटे हैं, उन्होंने 30-35 साल तक असम एकॉर्ड को लागू करने में कभी ईमानदारी नहीं दिखाई। आप मुझे बताइए, 36 साल हो गए, असम एकॉर्ड लागू होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? इन लोगों ने असम के साथ अन्याय किया है कि नहीं किया है? और जो लोग आज
अपने निजी स्वार्थ के लिए उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं, उनका भी स्वार्थ को खुला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं, 36 साल पुरानी मांग आपकी अगर कोई पूरी करेगा तो मोदी सरकार करेगी। और जो लोग हमें सवाल पूछते हैं, असम की जनता उनको सवाल पूछती है, 36 साल तक कहां खो गए थे, कहां सो गए थे? असम के लोगों की भावनाओं पर खेलने का खेल बंद कीजिए। भाइयों बहनों, हम राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए मेरे असम को बर्बाद नहीं होने दूंगा। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने जिस प्रकार से आज असम को चौराहे पर लाकर के खड़ा कर दिया है, ऐसे वोट बैंक की राजनीति करने वालों से मैं ये लड़ाई लेने के लिए निकला हूं। भाइयों बहनों, ये लोहा लेने के लिए निकला हूं। पहले देश बचना चाहिए, देश की एकता बचनी चाहिए, हमारा असम बचना चाहिए। साथियों, असम और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ मेरा एक स्वाभाविक लगाव है। आपका स्नेह और आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना अधिकार आपका मुझ पर है, उतना ही दायित्व मेरा भी आपके प्रति है। और इसलिए मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर भी आज इतने बड़े विराट जनसभा में आपसे बात करना चाहता हूं। साथियों, हमें भारत के संसाधनों पर कब्जा करने के इरादे से भारत में घुसने वालों, यहां पर कब्जा जमाने के लिए घुसने वालों और आस्था की वजह से अत्याचार के कारण अपना घरबार छोड़ने के लिए मजबूर लोगों का हमें फर्क समझना चाहिए। नागरिकता संशोधन का विषय सिर्फ आसाम या नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा नहीं है। एक मिनट, आपका प्यार आशीर्वाद धन्यवाद। नागरिकता संशोधन का विषय सिर्फ असम या नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश के अनेक हिस्सों में मां भारती पर आस्था रखने वाले, भारत मां की जय बोलने वाले, अपने आप को अपनी आस्था के अनुसार जीने के लिए समर्पित करने वाले ऐसी संतानें हैं, ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जान बचाकर मां भारती की गोद में आना पड़ा है। चाहे वो पाकिस्तान से आए हो, अफगानिस्तान से आए हो या फिर बांग्लादेश से, ये 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा थे। जब आस्था के आधार पर देश का विभाजन हुआ, हमसे अलग हुए देशों में जो अल्पसंख्यक यानी
वहां जो अल्पसंख्यक थे उन देशों में, मतलब वहां हिंदू अल्पसंख्यक था, सिख वहां अल्पसंख्यक था, जैन वहां अल्पसंख्यक था, बौद्ध वहां अल्पसंख्यक था, पारसी वहां अल्पसंख्यक था, ईसाई वहां अल्पसंख्यक था, ऐसे लोग वहां रह गए थे। उनको आशा थी कि वहां माहौल अच्छा बनेगा, बाद में सुख शांति से गुजारा करेंगे, लेकिन उनके साथ जो हुआ, अगर उनको मिलोगे तो पता चलेगा कितनी यातनाएं झेल करके अपनी आस्था के खातिर मां भारती की गोद में आए। उनको संरक्षण देना ये हिंदुस्तान का कर्तव्य है, भारत का कर्तव्य है। ये एक राष्ट्रीय कमिटमेंट था जिसे हमने पूरा किया है। और मैं असम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों से ये भरोसा देता हूं, इससे असम और उत्तर पूर्व की कोई क्षति नहीं होने दूंगा। मैं आपको यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आवश्यक जांच पड़ताल के बाद, ये बात भी आप लोगों के ध्यान में रहे, आवश्यक जांच पड़ताल के बाद, राज्य सरकार की सिफारिश के बाद ही किसी को नागरिकता प्रदान करने का निर्णय लिया जा सकता है। अपने आप कुछ नहीं होता है, बिना जांच पड़ताल, बिना राज्य की सिफारिश के किसी को नागरिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। साथियों, मेरी सरकार असम और असमिया हितों के लिए पूरी तरह समर्पित है। असम एकॉर्ड के अनुरूप ही हमारी सरकार छह समुदायों अहम, मौटक, मौढ़न, छुटिया, कुछ राजवंशी और सा जनगोष्ठी को जनजाति का दर्जा देने पर भी काम कर रही है। इसके लिए राज्यसभा में बिल लाने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया है। और मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं, इन छह समुदायों को ट्राइब का दर्जा देते समय ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि असम की वर्तमान जनजातियों के हितों, उनके अधिकारों, उसकी पूरी तरह रक्षा की जाएगी। आपने देखा होगा, अभी हमने SC ST OBC इनके अधिकारों को जरा भी आज आए बिना 10% समाज के अगड़ी जाति के जो माने जाते हैं, सवर्ण समाज माना जाता है, उनके गरीबों के लिए 10% आरक्षण किया। किसी का नुकसान किए बिना भी हम कर सकते हैं, ये हमने दिखाया है। इन छह जातियों के संबंध में भी जितनी पुरानी जनजातियां हैं उनके हकों की रक्षा करते हुए हम इस व्यवस्थाओं को बनाएंगे। साथियों, हर प्रकार की नकारात्मकता के पीछे छोड़ते हुए समृद्ध असम और संपन्न भारत के अपने बड़े संकल्प की तरफ पूरी शक्ति से आगे बढ़ना है। अंत में एक बार फिर तमाम विकास परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के शब्दों से ही अपनी बात समाप्त करूंगा। लुइतर पारे पारे आसे हैनो को दुनिया दुनिया धाम, हे खन देख मोर दुर्निर देख, तथापि सिना की हवनी नाम, अखमी आई लोय जोसो प्रणाम, अखमी आई लोय जोसो प्रणाम, अखमी आई लोय जोसो प्रणाम। भारत माता की, भारत
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।